हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करवाना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि श्राद्ध के दिनों में किसी को भोजन करवाने से हमारे पूर्वज प्रसन्न, जिनके घरों में ये शुभ कार्य होते हैं उन घरों पर पूर्वजों का आशीर्वाद सदा बना रहता है और उनके घरों में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। इसी संबंध में एक कथा है संत एकनाथ जी महाराज की। संत एकनाथ जी महाराज एक उच्च कोटि के संत थे। एक बार श्राद्ध के दिनों में एकनाथ जी महाराज के घर पर ब्राह्मणों के लिए भोजन बन रहा था। तभी उसी समय कुछ गरीब भिखारी वहां से निकल रहे थे। उनको बहुत अच्छी खुशबू आई। वह आपस में बात करने लगे कि आज श्राद्ध है, बहुत अच्छा भोजन मिलेगा। तभी उनमें से एक भिखारी बोला, पहले तो ब्राह्मणों को भोजन मिलेगा, फिर जो बचेगा वह हमें मिलेगा। यह सुनकर एकनाथ जी महाराज ने अपनी पत्नी गिरजाबाई से कहा कि इन गरीबों में भी भगवान बसते हैं, इन्होंने कभी खानदानी ढंग से भोजन नहीं किया होगा। मेरी इच्छा है कि मैं यह भोजन पहले इन गरीबों को करवा दूँ। क्या तुम फिर से ब्राह्मणों के लिए भोजन बना दोगी? तो गिरजाबाई ने हाँ कर दी। संत एकनाथ जी महाराज ने बड़ी श्रद्धा के साथ वह भोजन उन गरीबों को करवा दिया और उसके बाद गिरजाबाई ने फिर से नहा धोकर चौका साफ करके ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाने में लग गई। लेकिन तब तक पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि संत एकनाथ ने ब्राह्मणों के लिए बना भोजन किसी और को करवा दिया। इसे ब्राह्मणों का अपमान माना गया और गांव वालों ने निश्चय कर लिया कि कोई भी गांव का व्यक्ति संत एकनाथ के घर भोजन करने नहीं जाएगा। गांव वालों ने मिलकर दो ब्राह्मणों को एकनाथ जी के द्वार पर खड़ा कर दिया कि कोई भी व्यक्ति भोजन करने के लिए उनके घर न जा सके। जब भोजन तैयार हो चुका और एकनाथ जी को पता चला कि गांव का कोई भी व्यक्ति उनके घर भोजन करने वाला नहीं है, तब उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति और तप की शक्ति से, जो वास्तव में बहुत बड़ी शक्ति होती है जिसके बल से कोई भी कार्य व्यक्ति कर सकता है, वह संत एकनाथ जी के पास थी और उन्होंने अपने संकल्प शक्ति से जो ब्राह्मण नहीं आ रहे थे उनके पिता, दादा, चाचा और परिवार के बाकी लोगों का आवाहन किया जो पितृ बन चुके थे। वह सब प्रकट हो गए। उनसे एकनाथ जी ने कहा कि आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करें। फिर वह सब ब्राह्मण एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। जब आचमन के समय गाए जाने वाले श्लोक की आवाज़ बाहर खड़े ब्राह्मणों के कानों तक पहुंची, तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि हमने किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया, तो संत एकनाथ किसको भोजन करवा रहे हैं। वे सोचने लगे और अंदर जब झांक कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उनके चाचा, दादा और गांव के कई पूर्वज जो पितृ बन चुके थे वे सभी वहां मौजूद थे। वे दोनों दौड़कर गांव वालों को खबर देने पहुंचे गए और गांव वालों से कहा कि हमारे जितने भी गांव के पूर्वज हैं वे सभी संत एकनाथ के घर पर भोजन कर रहे हैं। गांव वालों ने जब सी बात सुनी तो वे सभी संत एकनाथ जी महाराज के घर पहुंच गए। उस समय संत एकनाथ जी महाराज उन पितरों की विदाई कर रहे थे। जब सभी ने यह देखा तो वे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और संत एकनाथ जी के चरणों में गिर पड़े। उनसे माफ़ी मांगने लगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। संत एकनाथ जी महाराज जो उच्च कोटि के संत थे, वे बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने सभी गांव वालों को माफ़ कर दिया।